अगर कोई एक शख्स है जिसको आप अभिनय की लकीरों में समेट कर नहीं रख सकते हैं तो वो है अजय देवगन, क्योंकि कॉमेडी, एक्शन कॉमेडी कुछ भी इनसे करा लीजिए, आप जब कोई कॉमेडी फिल्म देखेंगे तो सिंघम को मिस नहीं करेंगे, और जब सिंघम देखेंगे तो इनके कॉमेडी के एक्शन को आप मिस नहीं करेंगे। ये वो कलाकार है जिसने बेहतरीन फिल्में पिछले दिनों की है और जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही है। रोहित शेट्टी हमारे साथ है क्योंकि बोल बच्चन बोल रिलीज होने वाली है, ये दोनों हमारे साथ मौजूद है, इन दोनों से ही बातचीत करेंगे। बहुत ही दिलचस्प, कम से कम अभी तक जो समझ में आ रहा है वो फिल्म के प्रोमोज और रशेस को देख के समझ में आ रहा है, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस फिल्म की कहानी आखिर है क्या। बड़ी बड़ी और झूठी बातें बनाने का खामियाजा भुगतने वाले हैं अभिषेक बच्चन। फिल्म बोल बच्चन में यही तो खूबी है अभिषेक के किरदार अब्बास अली की। अभिषेक बच्चन, अभिषेक के साथ फिल्म में अजय देवगन देने वाले हैं कॉमेडी का डोज। फिल्म सिंघम में एक्शन का तड़का लगाने के बाद अब अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी से आपको हंसाएंगे अजय देवगन। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, बॉय अंडर ऑपरेट इन हाइपर सिटी नॉइस पोल्यूशन, नीति जी बचाओ। तुझे पाकर मेरी छाती और भी चौड़ी हो गई है, माई चेस्ट हैज बिकम ब्लाउज। पृथ्वी जी, दरअसल बोल बच्चन कहानी है दिल्ली में रहने वाले अब्बास अली यानी अभिषेक बच्चन की, जो पैसों की तंगी के चलते दिल्ली छोड़ अपनी बहन सानिया यानी असिन के साथ एक छोटे से शहर रखनापुर आ पहुंचता है। अब्बास को अखाड़ा किंग पृथ्वीराज रघुवंशी बने अजय देवगन के यहाँ काम मिल जाता है। मूछों का आइडिया पृथ्वी जी को चिपकाने वाला तू। लेकिन हालातों के चलते अब्बास को एक के बाद एक कई झूठ बोलने पड़ते हैं, जो लोगों को हंसाते भी हैं और कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी 1979 की फिल्म गोलमाल से प्रेरित है। बोल बच्चन में बिग बी भी एक गाने में झूमते नजर आएंगे। बोल 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 बच्चन, बोल 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन, बोल 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन। फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी, जिन्हें हंसाने के सारे फॉर्मूले बखूबी पता है। फिल्म में म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया और अजय अतुल ने। छह जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म अगर दर्शकों को पसंद आती है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा अभिषेक बच्चन को। बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होगा, जिन्हें एक हिट का लंबे वक्त से इंतजार है। सुन सुन बोले क्या बच्चन, आज तक ब्यूरो। सुन सुन बोले क्या बच्चन। और इंटरव्यू की जरा अच्छी सी शुरुआत हो अजय देवगन, इसके लिए अजय क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? आपके वन लाइनर्स हमने सुना है, इज सपोज टू बी द कैच इन द फिल्म। मेरा जो कैरेक्टर है उसको अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है, लेकिन अंग्रेजी बोलनी आती नहीं उसको। तो पहलवान है और आसपास के उसके जितने लोग हैं उनको भी लगता है कि ये अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, क्योंकि छोटे से टाउन में जहाँ पे उसके जितने जो पहलवान और शागिर्द लोग हैं उनको भी अंग्रेजी आती नहीं, तो दे ऑल थिंक दैट ही स्पीक्स वेरी वेल एंड ही लिटरली ट्रांसलेट्स जो हिंदी के मुहावरे हैं उनको लिटरल ट्रांसलेशन। जैसे कि एक डायलॉग है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे बोला नहीं करते, तो ही वुड से व्हेन एल्डर्स गेट कोजी यंगर्स डोंट पुट नोजी। स्मृति जी बचाओ, तुझे पाकर मेरी छाती और भी चौड़ी हो गई है, माई चेस्ट हैज बिकम ब्लाउज। पृथ्वी जी, बहुत दिलचस्प है। तो आपने अपनी बच्ची को भी वो इन डायलॉग्स को, और उसका क्या रिस्पांस रहता है जब निशा आपकी बेटी देखती है? शी सीन द फिल्म। अच्छा। और सभी को बहुत पसंद आई, इट्स हिलेरियस। तो सब अब डायलॉग्स रिपीट करने लगे। काजोल, काजोल को भी बहुत पसंद आई सबको। आई थिंक एवरीबडी इज एंजॉयड द फिल्म, देयर इज नो डाउट। फिल्म का ऐसा कोई डाउट ही नहीं है, आप यू गो इन, इट्स अ लाफ राइट। बट बोल बच्चन बोल के, बोल बच्चन है, बोल बचन बोल नहीं है। अच्छा, बोल बचन बोल, क्यों बोल बचन? बोल बचन वो ऐसा साउंड कर रहा है जिससे लग रहा है कि नहीं, बोल बचन कि अमिताभ बच्चन का नाम इनकैश करने के लिए क्या किया जा रहा है, अभिषेक बच्चन से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं?
नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली ये जो ज्यादा फेंकते हैं, ज्यादा झूठ बोलते हैं, उन्हें ऐसा कहा जाए, मतलब उनके लिए कहा जाता है, स्लैंग है कि बोल बचन, बहुत ज्यादा बोल बचन दे रहा है, या बोल बचन था एक्चुअली, नॉर्थ साइड बोल बचन कहते हैं। तो जब हमने कहानी लिखी, अजय अभिषेक का कैरेक्टर वैसा है, वो झूठ बोलते रहते, एंड बिकॉज अभिषेक वॉज देयर इन द फिल्म, तो हमने सोचा व्हाई नॉट बोल बचन, एंड देन फिल्म में उनका नाम अभिषेक बच्चन है, एक्सीडेंटली ही हैज टू से अभिषेक बच्चन बिकॉज ऑफ सम रीजन, इसलिए फिल्म का नाम बोल बच्चन है। तो कहानी में नहीं बताऊं ना दर्शकों को, अभी थोड़ी बहुत कहानी मैंने पढ़ ली है, देख लेने दीजिए, देख लेने दिया जाए ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट मतलब वो बच्चन नाम को जरा सा भी एनकैश करने वाला एंगल नहीं है, थोड़ा सा है, आई डोंट थिंक आज के ऑडियंस ऐसी चीजों से यू नो उसको कोई फर्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो पहला प्रोमो देखती है, उनको पसंद आता है, वो डिसाइड कर लेती है कि उन्होंने फिल्म देखनी या नहीं देखनी। और जो प्रोपोर्शन है रोल का, आपको लग रहा है कि क्योंकि जो भूमिका अमोल पालेकर ने ओरिजिनली गोलमाल में निभाई थी, वो 40 साल पहले बनी है, उसको पूरा आज हमको इनफैक्ट राइट्स भी लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पूरा बदल दिया है रोहित, और सिर्फ मुच्छी का कॉन्सेप्ट कुछ मूछ का भी नहीं, मूछ का भी नहीं, जब आप फिल्म देखेंगे वो आप फिल्म देखेंगे समझ में आएगा, झूठ क्यों बोलता है, रीजन कुछ और है। अच्छा झूठ का रीजन कुछ और है, मुझे कहानी पता है लेकिन मैं दर्शकों को बताऊंगी नहीं, बट सबसे बिल्कुल नहीं, बट कहानी जो आपको भी पता है वो भी पूरी बदल चुकी है। अच्छा उसको भी आपने उस तरह से ऑल्टर किया ताकि लोग समझना पाए, जमाना अलग था, ये जमाना अलग है, अगर आप अडेप्ट करें किसी फिल्म को तो आई थिंक आज के हिसाब से जब आप काम करते हैं तो पता चल जाता है। अजय को पसंद क्या है करना, सिंघम में आप उतने कन्विंसिंग लगते हैं, फिर आप ये भी करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि एक्टर का काम है कि वो हर चीज कर सके, और मुझे पसंद है कि अगर मैंने एक जॉनर किया है तो मैं उस जॉनर को रिपीट ना करूं, कोई और जॉनर करके वापस उस जॉनर पे, ताकि मुझे भी एक सेटिस्फैक्शन हो कि यार मैं कुछ अलग करता हूं। एंड आई थिंक टच वुड, आई बीन वेरी लकी, बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिनको ऑडियंसेस अलग अलग जॉनर में एक्सेप्ट करती है, तो आई थिंक आई बीन वेरी लकी। रोहित गोलमाल 4 को भी आपने पुश कर दिया है, गोलमाल 4 एक्चुअली प्लानिंग में थी ही नहीं कभी, ये तो मतलब ऐसी न्यूज आती रहती है कि हम लोग गोलमाल 4 बना रहे हैं, नहीं हमने कई जगहों पर पढ़ा कि अजय ने कहा कि अब यार लगातार हर साल अगर तू एक गोलमाल प्रोड्यूस करने लगेगा तो फिर तो बड़ी फॉर्मूला बन जाएगी, तो वी शुड डू वर्क ऑन अनदर फिल्म, सच है क्या पता नहीं। नहीं बट ये फैक्ट भी है कि हर साल मतलब सेम फिल्म आप नहीं बना सकते, गैप तो रखते ही है, बट आई डोंट थिंक ही हैज अ स्क्रिप्ट राइट नाउ फॉर गोलमाल, जिस दिन वो स्क्रिप्ट मिल जाए, और जस्ट सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक अच्छा फ्रेंचाइज है, फिल्म बनाना आई डोंट थिंक इज राइट जब तक करेक्ट स्क्रिप्ट नहीं मिल जाए उसकी। बोल बच्चन रिलीज होने वाली है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद देवगन और रोहित शेट्टी। रोहित शाहरुख पर सवाल हो उससे पहले जरा ये बताइए कि आप सिर्फ अजय देवगन को लेकर क्यों, आप अभिषेक की तरफ इशारा कर रहे हैं, सारे स्टार्स असल भी है, प्राची देसाई भी है, अभिषेक आ रहे हैं थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, अच्छा प्राची और असिन बॉम्बे में फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है, तो सब डिवाइडेड है चारों तरफ, मतलब चार तरफ से आप 4 प्रॉन्ग अप्रोच अपना पॉजिटिवली देखी जाए बात को, हमने अपने आदमी फैला दिया, फैलाए हमने आपके, अच्छा ये बहुत ऑनेस्टली मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ, हमेशा कहा जाता है बिकॉज काजोल एंड शाहरुख खान हैव गिवन वेरी गुड रोमांटिक लीड फिल्म्स, तो एक टसल है आप दोनों में और उसको हमेशा ब्लो अप किया जाता है, ज्यादा टसल है मतलब कि देखे तो मार डाले हम, ऐसी सिचुएशन है इस वक्त, तो आप इस बारे में सवाल ना करें, बट आई थिंक इट्स मीडिया क्रिएटेड, ऐसा कभी नहीं है हम मिलते हैं, वी आर वेरी वेरी नॉर्मल, इनफैक्ट व्हेन शाहरुख एंड रोहित डिसाइडेड टू डू अ फिल्म टुगेदर, आई वाज द फर्स्ट वन, ही कॉल्ड मी अप एंड ही टोल्ड मी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, एंड ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा होता है हमारी इंडस्ट्री में, कुछ चंद लोग ऐसे करते होंगे जो कि यू नो जिनको प्रॉब्लम्स होती है एक दूसरे से, बट बाकी और 99% सब जितने भी एक्टर्स हैं दे वेरी चिल्ड आउट होती है, एक्चुअली वक्त ही नहीं मिलता जब आप सुनो ये सब, दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, एम्पायर है बड़े, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता है कि दुश्मनी कहाँ निभाएंगे और दोस्ती कहाँ निभाएंगे, दोस्ती निभाने का वक्त नहीं मिलता, दुश्मनी कहाँ से निभाएंगे। तो चेन्नई एक्सप्रेस जब आपने डिसाइड किया, आपने अजय को भी बताया कि आप कर रहे हैं उनके साथ जी, और जब चेन्नई बन रही होगी तब हम दूसरी फिल्म प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी कि हम दोनों साथ में क्या बना रहे हैं, चेन्नई के बाद हम लोग इमीडिएटली क्या शुरू कर रहे हैं वो भी हमने डिसाइड, वो भी प्लान है, वो आपको शायद बताना चाहिए इस बारे में थोड़े कुछ दिनों के लिए वेट करना। अजय ये बताइए कि इस फिल्म को अगर आप हमारे दर्शकों को बताना हो, कॉमेडी राइट है वो तो समझ में आ रहा है, और किन वजहों से ये फिल्म देखी जाए, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनर, पिक्चर हंसाती बहुत, गाना बड़ा दिलचस्प है,
प्राण रे। एक तो गाने का ऑडियो बहुत अच्छा है, शूट बहुत अच्छा हुआ। इंटरेस्टिंग सागर कर दे सो दैट स्टूडेंट आर व्यूअर्स कैन रिकैप। आई कांट डू एनीथिंग। उसके लिए आप गाना दिखा दीजिए। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, हमरी बॉडी से प्राण रे। I've just played my character. पहलवान का कैरेक्टर अगर एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा तो वो कैसे? तो पीछे मेरे जितने जो डांसर कोई नहीं है वो इतने सब पहलवान रखे हुए नाच रहे हैं, तो उससे मैं और ज्यादा कंफर्टेबल हो गया कि मुझसे अच्छा कोई नहीं नाचेगा। तो इसलिए वो इश्यू उस तरह से सॉर्ट आउट हो गया। वापस रोहित आपके पास आते हुए, ये फिल्म जो है गोलमाल टाइप, मतलब लोग के दिमाग में ये आएगा कि ये शख्स तो इस तरह की फिल्में जब अजय देवगन के साथ बनाते हैं तो गोलमाल टाइप फिल्में देते हैं, तो उससे अलग कैसे है? तो सिंघम भी आई थी। सिंघम तो खैर था ना कि वो एक्शन अलग ही थी ना, यू वर्ड आपको देख के लग रहा था ये कुछ और ही है। नहीं बट अलग ही है ना ये, आई थिंक दिस फिल्म इज ऑल्सो कम्प्लीटली, मैं ये अलग तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इट्स बिगर, इट्स बेटर आई फील, एंड इट्स मोर एंटरटेनिंग इन एवरी विच वे। और जैसा कि हमने शुरू से पॉलिसी रखी हुई है कि वी शुड ओनली मेक क्लीन फिल्म्स और वल्गैरिटी बिल्कुल ना हो, तो हम डबल मीनिंग डायलॉग्स बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सबके साथ। और सबसे बड़ी यूएसपी अगर आपके शब्दों में मैं पूछूं इस फिल्म की, तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? इस वजह से अच्छी होती, बुरी होती है? या तो पूरी फिल्म अच्छी होती है या बुरी होती है, कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए ऑडियंस नहीं जाती है अंदर, पूरी फिल्म देखने जाती है, या तो पूरी फिल्म पसंद आती है या तो पूरी फिल्म नहीं पसंद आती। तो बोल बच्चन के स्टार अजय देवगन और रोहित शेट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और अजय, कुछ इंटरेस्टिंग जो आप बताना चाहें जो फिल्माने के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो, क्योंकि बड़े कैरेक्टर्स सब बहुत इंटरेस्टिंग दिखे हैं। आई थिंक हर फिल्म की जब हम शूटिंग करते हैं 70-80 दिन हम बाहर रहते हैं बिना अपनी फैमिलीज के, यू नो, वर्किंग टुगेदर, तो हंसी मजी मस्ती मजा। अभिषेक बच्चन का मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी कहीं, उन्होंने कहा नो ही इज अ वेरी कूल्ड आउट चैप बट बहुत एक्शन पैक्ड है और बहुत धमाके करते हैं। बिल्कुल मैं कुछ नहीं करता, बल्कि वो बेचारा इतना ज्यादा बोलता है, उसको एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बेचारा कहा कोशिश भी करता है तो चुप नहीं हो सकता। आपने जिसको देखा वो मैं, लेकिन वो मैं नहीं था, वो मेरा हमजकल भाई था। अब बट वी लाइक दैट एनर्जी। और फादर होने के बाद टिप्स दिया आपने उनको कुछ? टिप्स तो नहीं दी, आई थिंक मदर्स ज्यादा एक दूसरे को टिप्स देती हैं, फादर्स तो कैजुअली, आई मीन दे एक्सप्रेस द फीलिंग्स कि व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई हैड अ चाइल्ड एंड व्हाट ही फेल्ट, जस्ट डिस्कस थिंग्स लाइक दिस। रोहित आप कुछ बताइए, कुछ फिल्म के दौरान इंटरेस्टिंग वाकया कुछ हुआ हो? पूरी फिल्म ही मतलब हंसते खेलते बनी है, क्योंकि हम लोग इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं सामने और टीम जो है वही टीम है पहली फिल्म से, तो एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, इसलिए आई थिंक फिल्म इतनी पॉजिटिव बन के निकलती है। तो अभिषेक जब ज्वाइन हो गया तो अभिषेक भी लाइक एन ओल्ड फ्रेंड टू बोथ ऑफ अस, तो मतलब इट वाज लाइक बीइंग एट होम। एनीथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ राजा? कुछ मतलब डेली कुछ ना कुछ होता था, खाना बहुत खिलाता था अभिषेक बच्चन। अब हम गुजरात गए थे तो सबसे पहले उसकी डिमांड थी कि हमको यहाँ की थाली खानी है, अच्छा, तो फिर वेट बढ़ा दिया उसने सबका। मुझे प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं फिल्म में पहलवान का कैरेक्टर कर रहा था, तो मुझे वैसे भी बढ़ाना था। पर आजकल आप भी और अभिषेक भी डांस बहुत अच्छा करने लगे हैं रोहित, नहीं? और इवन अभिषेक के कुछ मूवमेंट्स हैं और आपके भी बड़े इंटरेस्टिंग लगे, मुझे लगा कि
मेरा तो अराइव टाइप का सिचुएशन हो गया बिकॉज मेरा जो है वो आई हैव जस्ट प्लेड माय कैरेक्टर तो आई थिंक आई एंजॉयड वो देख रहे हैं इज अ गुड डांसर हमेशा से ही अच्छे नाचते हैं और प्राची और आसिम के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा बहुत अच्छा रहा अच्छे एक्टर हैं दोनों काम कर चुके हैं पहले भी सो एंड जो कैरेक्टर था हमारा जिस तरह के एक्टर्स चाहिए थे दे फिट द बिल आसिम एंड प्राची बोथ सो इट वाज वेरी नाइस फॉर आपके लिए प्राची और आसिम के साथ मैंने पहले भी काम किया प्राची के साथ भी पहले काम किया तो कंफर्टेबल वर्किंग विद बोथ और अगर चलते चलते अब कुछ वो एक दो डायलॉग जो मुझे याद आ रहे हैं एक तो वो टॉमी डेथ वाली एक है बहुत इंटरेस्टिंग कुछ अगर इंटरेस्टिंग हमारे कुत्ते की मौत मारूंगा ब्रदर इन लॉ विल डाई टॉमी इज डेथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए तो बोल बच्चन रिलीज होने वाली है और अजय देवगन और रोहित शेट्टी को आपने सुना ये दोनों यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और कम से कम सबसे अच्छी बात जो समझ में आ रही है वो यही कि डबल मीनिंग डायलॉग्स इस कॉमेडी में नहीं है